प्रणाम भोजपुरिया जहान, प्लैनेट भोजपुरी में राउर स्वागत बा। भोजपुरी दुनिया से जुड़ल सब खबर सबसे पहले पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब करी जा और घंटी के बटन दबाई जा। लोग वो सब ओल्ड एज होम से आए हैं और उनकी स्टोरी बता रहे हैं, कैसे उनको उनके पति गुजर गए हैं, उनके बेटे गुजर गए, तो उनके घर वालों ने उनको वृद्धाश्रम भेज दिया, क्योंकि वो लोग कैसे बोल रहे हैं कि कैसे हम आपको सेवा करेंगे, ये वो सब, तो इस वजह से तो बस ऐसी मैं भी सोच रही हूँ कि पता नहीं आगे क्या क्या होगा, और बुरा लग रहा है बहुत। तो उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही हूँ और खुद को फील करवा रही हूँ, अच्छा लग रहा है उनके साथ बैठ के। वही कि मम्मी के साथ हम सब हैं और इनके साथ इनके बेटे या बेटी वो लोग नहीं हैं, और क्योंकि उन्होंने ही हमें पैदा किया है और आज हमारे दिल में हमारे घर में उनके लिए ही जगह नहीं है, तो ये बहुत ही बुरी बात है। और मैं तो कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी माँ को इस तरह से कोई फेस करना पड़े, और अगर मेरे पास बहुत सारा धन संपत्ति होता तो मैं सबको अपने पास ले जाती, बट मैं अभी अपना टाइम ही स्पेंड कर सकती उनके साथ। पर हमेशा गुरु विशेष रहेगी इन लोग के साथ कि हमेशा खुश रहिए, और बस यही कहूँगी कि बहुत पुअर थिंकिंग है उन लोग की, और अगर आज ये इस स्टेज पे आप लोगों ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है तो ये मत भूलिए कि आगे आपकी भी यही एज होने वाली है, तो शायद कहीं आपके बच्चे भी आपको इस तरह से बाहर कर दे और आपको तब पता चले कि हम लोगों ने क्या गलत किया है। और आज तो यही लोग जानते हैं उनके ऊपर क्या बीत रही है, और यहाँ बैठे बैठे वो अपनी कहानी सुनाते सुनाते भी आंसू उनकी आँख में आ जा रहे हैं, तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा फील हो रहा है। पर आपके अंदर दिल नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, आप पत्थर दिल होंगे, इस वजह से आपने उनको इस हालत में घर के बाहर कर दिया है। बट फॉर श्योर मैं तो चाहूँगी, मैं प्रे भी करूँगी कि आज जो इनकी हालत है वैसी आपकी भी हो, तब आपको जाके समझ में आएगा कि क्या होता है। प्लैनेट भोजपुरी।